उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार गिराने का बदला लूंगा। इस पर शिंदे ने ट्वीट करके सादा निशाना कहा, हम बदला नहीं देश में बदलाव लाना चाहते हैं। शिंदे गुट के बोझ तले दबी है बीजेपी। संजय राउत ने की आलोचना, बारसू परियोजना के मामले में भूमि अधिग्रहण व सर्वे वापस ले सरकार, नहीं तो शिवसेना सड़कों पर उतरेगी। बेस्ट फोन पर तेज आवाज में बातचीत पर रोक, हेडफोन का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं, मानने पर लगेगा 1200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना। 10 साल बाद आज जिया खान की आत्महत्या मामले में मुंबई की सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला, सूरज पंचोली पहुंचे कोर्ट। महाराष्ट्र के थाने में एक 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, पार्ट टाइम नौकरी का हवाला देकर लुटे 11 लाख रुपए। मानसून कितना भी बरसे अब नहीं थमेगी मुंबई में ट्रेनें, अब नहीं होगा जल भराव, पश्चिम रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले बांधों में बचा सिर्फ 26% पानी, मुंबईकरों को होगी पानी की किल्लत। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर अब और हादसे नहीं, हाईवे पर बनेंगे 10 फुट ब्रिज, 6 सबवे। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद लिया गया फैसला। आज और कल शहर और जिले में झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। विरार डहान चार ट्रैक लाइन का काम दिसंबर 2022 तक होगा पूरा, यात्रियों को मिलेगा सुविधा। कल पूरे नासिक शहर में पानी की आपूर्ति होगी बंद, महावितरण बंद होने से नगर निगम का जल पूर्ति होगा ठप। सबूत है तो कोर्ट में जाओ, हमारे नेताओं पर झूठे आरोप करोगे तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कपड़े फाड़ देंगे, नीतीश रानी ने राउत को दी चेतावनी। मुंबई में 62 अधिकृत निजी स्कूल बंद, बीएमसी ने शहर के बाकी 210 स्कूलों को जून तक का दिया था समय। भाजपा के नेता का मेरे पास 60 से 70 घोटाला, कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट जाएंगे, संजय राउत का इशारा। मुंबई से आलंदी के लिए MSRTC द्वारा शुरू की गई बस सेवा, साथ ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए टिकट की कीमत में 50% शुरू की छूट। 34 घर खरीदारों को पैसे लेने के बाद भी फ्लैट न देकर कथित तौर पर ठगी करने के आरोप में बिल्डर धर्मेश जैन और राजू जैन को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभाजीनगर में हिंदू युवक के साथ घूमने का शक, हिजाब पहनी महिला के साथ औरंगाबाद में बदसलूकी, 3 हिरासत में। लगातार 5वें दिन घटे कोरोना के एक्टिव केस, आंकड़ा घटकर 57,000 पहुंचा, 24 घंटे में 9,355 नए एक्टिव केस सामने आए। एकनाथ शिंदे के संपर्क में ठाकरे गुट के बचे कुचे 13 विधायक, कैबिनेट मंत्री उदय सामंत का दावा। मुंबई में सोने चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी, सोना 60,520 रुपए तोला, वहीं चांदी 74,400 रुपए किलो।